दोस्तों, हुमास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कोकोनट कुकीज़, जो हम लोग घर में ही बनाएंगे, बिना ओवन के कढ़ाई में ही बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कोकोनट कुकीज़। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और उसको शेयर करना मत भूलना प्लीज़। देखिए, मैं 1/4 कप चीनी लिया है, आप लोग पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं 1/4 कप, देखिए यहाँ पे मेल्टेड बटर लिया है। अभी ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। वन फोर्थ कप कोकोनट, इसको भी इसके साथ मिला लेंगे। मेरा सारा मेजरमेंट 1/4 कप है। अभी मैं इसमें मैदा मिलाऊंगी, 2/3 कप मैं इसमें मैदा मिलाऊंगी। इसको भी इसके साथ अभी हाथ से करेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसमें मैं इसके साथ 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दूंगी। अभी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के एक डो तैयार कर लेंगे। अभी इसमें ज़रूरत पड़े से थोड़ा सा दूध डालेंगे डो को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए। 2 चम्मच के करीब मैंने दूध डाला है और थोड़ा सा ज़रूरत है और मैं 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। ये डो तैयार हो चुका है। प्लेट पे मैदा स्प्रेड कर लिया है। अभी यहाँ से थोड़ा सा लेके इसको ऐसे गोल करके इसको थोड़ा सा एक शेप देके, ज़्यादा बड़ा हमें नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ताज़ा कोकोनट लगा के, या जो भी कोकोनट आप लोगों के पास हो उसको लगा के प्लेट में ऐसे रख देंगे। इस तरह से हम लोग सारे तैयार कर लेंगे। मैं तैयार कर लिया है, बीच में थोड़ा सा गैप रखा है क्योंकि ये बड़ा होगा। चलिए अब इसको तैयार करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई रखा है, उसमें मैंने नमक रखा है। अभी नमक के ऊपर ये प्लेट रख दूंगी। अभी इसको एक लेट से ढक दूंगी, अभी 20 से 25 मिनट होने दूंगी, उसके बाद चेक करूंगी। अभी मैं तैयार करके रख दिया है, इसको भी लेट से ढक दूंगी। कुकीज़ मेरी रेडी है। आप लोगों को कलर देख के ही पता चल रहा है कि ये कुक हो चुका है। देखिए साइड से गोल्डन हो गया है और बीच में देखिए नारियल की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा ठंडा होने देंगे फिर हम इसको सर्व कर देंगे। देखिए कितना अच्छा बना है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए।